नगर पालिका सफाई कर्मी का सम्मान किया गया। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन के बाद सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के तहत लगे सफाई कर्मचारियों को मास्क, जूता, दस्ताना, साड़ी, शॉल, मोजा व श्रीफल एवं पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। यह सम्मान समारोह गांधी भवन बेसिक स्कूल मैदान में नगर पालिका अध्यक्षा शकुंतला मंगत साहू सहित सभी पार्षद तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी होरी सिंह ठाकुर के द्वारा सफाई कर्मी को स्वास्थ्य के बचाव से संबंधित सामान खरीदकर स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा के द्वारा सम्मानित कराया गया। गांधी भवन में सफाई कर्मी का सम्मान किया गया। आशीष छाबड़ा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को अपने संबोधन में कोरोना योद्धा की उपाधि दी है। समाज को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अपने जीवन को दांव पर रखकर आज इस संकट के दौर में चाहे वह सफाई कर्मी हो या फिर डॉक्टर हो, पुलिस कर्मी, सबको हमें सम्मान की नज़रों से देखते हुए उन्हें सम्मानित करने का भाव होना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि हम उनका उत्साह वर्धन कर उन्हें सम्मानित करें। सुबह से लेकर देर शाम तक बाजारों गलियों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सफाई कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी जब हमारे वार्ड बाजार में आए तो हमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके स्वागत करना चाहिए। हम घरों में हैं, हम स्वस्थ रहें, इसके लिए निरंतर सफाई कर्मी बाजारों गलियों में सफाई करते हैं। सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल नगर पालिका द्वारा रखा जा रहा है। जी बताएं कि किस तरीके की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। आज हमारे यहाँ नगर पालिका में सभी सफाई कर्मचारी बहनों भाइयों को हम लोग सम्मान दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज वो लोग शुरू से जब से कोरोना वायरस का ऐसा संक्रमित बीमारी जब से आई हुई है तब से लोग निरंतर सतत अपने कार्य में जुटे हुए हैं और अपने कार्य को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग एक छोटा सा उनके लिए कार्यक्रम रखे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें जूता और साड़ी वगैरह और पेन वगैरह उन्हें देकर उनका सम्मान कर रहा है, इसलिए इसके कार्यक्रम रखा गया है। हमें भी प्राप्त हुआ सूचना मिला, हम लोगों से चर्चा कुछ किए जो कामगार जो लोग हैं जिनसे, कि जो सैनिटाइजर मतलब जो मास्क दिया जाता है वो 6 घंटे तक के बाद समाप्त हो जाती है, मतलब उनके पास ऐसे अवेलेबल नहीं होने की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फिर क्या उनके लिए एक विशेष पैकेज तैयार की गई है क्या? नहीं, उनके लिए हम लोग सोचे हुए हैं कि उनको एक कपड़े का मास्क बना के देंगे जो वॉशेबल रहेगा, उससे लोगों की समस्या हल हो जाएगी। जिस तरीके से आप लोगों की जो पहल चल रही है तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये संदेश देना चाहते हैं कि सब अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले, हैंडशेक ना करें, सावधानी बरते और थोड़ी थोड़ी दूरियों पर अपने जो भी विचार है, जो भी बातचीत है उसे एक दूसरे के माध्यम से बात बस करें। सम्मान के रूप में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं लोगों? जैसे जूता है, साड़ियाँ हैं, तेल वगैरह है और शॉल है, बूट है, उनकी जो सुरक्षा संबंधित जो चीज़ें हैं वो दे रहे हैं। क्या कार्यक्रम यहाँ पर प्रायोजित की गई है, किनके नेतृत्व में की गई है और क्या कुछ विशेष करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जो कोरोना संकट चल रहा है उसके निराकरण के लिए उसके विरुद्ध में जो सफाई व्यवस्था है नगर पालिका द्वारा पूरे शहरों में लगातार साफ सफाई ब्लीचिंग फिल्टर से लेकर के पीपीई आज जो बांटने का कार्यक्रम है हमारा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम बांट रहे हैं हमारे सफाई कर्मी को, सतह कमांडर को, प्रदेश में श्रमिकों को, जिससे है कि वो खुद भी पहले सुरक्षित रहे तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे नगर पालिका में जितने भी सफाई कर्मी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनको सम्मान देना कहीं के लिए राष्ट्र को सम्मान देने के बराबर है, क्योंकि जिस तरह सैनिक हमारे देश के बॉर्डर में लड़ते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी है हमको सफाई दे करके हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हमारे फर्ज होता है। आज का यह कार्यक्रम हमारे नगर पालिका प्रशासन के द्वारा की गई है, इसे माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी और पार्षद जन को यहाँ पर बुलाकर प्रत्येक सफाई कर्मी को सम्मान है। इस सम्मान के लिए आप इस चैनल के माध्यम से क्या समझा देगा? मैं सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद दूंगा कि हमारे मीडिया के लोग भी विशेषकर देवे तरह के आप सब लोग बहुत अच्छे से लोगों को संदेश दे रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस का जो हमारा सबसे बड़ा अच्छा तरीका है बीमारी से बचने का, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, बहुत आवश्यक काम हो तभी घर से निकले, इस बात को अपन ध्यान रखें, और जब भी घर से निकले जो हमारा एक मास्क है, मास्क अपना खुद का बनाया हुआ हो सकता है, मेडिकल से लिया हो सकता है या पंचा दिया, मास्क एक काम पर लेकर जरूर लिया। सर एक निवेदन है सर कि पूरी नगर में कुछ अभी एक मामला सामने आ रहा है,
कि पेय पदार्थ जिसका एक्सपायरी डेट समाप्त हो गई है उनको विक्रय के लिए अभी यूज किया जा रहा है, क्या कुछ निगरानी की गई सर इसमें? देखिए माननीय कृषि मंत्रालय के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो लगातार खरीदार्थियों का सैंपल भी ले रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से बाद मुझको मालूम हुआ, मैं तत्काल अपने कलेक्टर साहब को अवगत कराऊंगा और खाद्य विभाग के माध्यम से उसको हम जाँच कराने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम नगर पालिका प्रशासन के जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मचारी है, जो लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस के खतरे में घर पे है, ये बेचारे सुबह से निकल के समाज की सबसे बड़ी सेवा का काम कर रहे हैं, शहर को स्वच्छ रखने में, शहर की साफ सफाई करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अपने जीवन की चिंता ना करते हुए दूसरों के जीवन बचाने में बहुत अहम भूमिका इन सब की है। तो आज नगर पालिका प्रशासन, हमारे अध्यक्ष, पार्षद और हम सब मिलके आज इनका सम्मान कर रहे हैं और इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी इन सब का सहयोग किसी तरीके से शहर को मिलता रहेगा। कुछ संदेश देना चाहते हैं इस सम्मान के जरिए, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश की जो परिस्थिति है, विश्व की परिस्थितियाँ सबके सामने हैं, हम सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करें। लॉकडाउन के दौरान घर पे ही रहें, एकदम अनिवार्य काम है तभी हम बाहर निकले, और ऐसे लोगों के लिए हम भगवान से दुआ करें जो हमारे सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मी है, स्वास्थ्य सुविधा में जो जुड़े हुए हमारे डॉक्टर्स हैं, पूरी नर्सें हैं, उनके लिए हम भगवान से उनके लंबी उम्र की कामना।